Washington Sandero. Garman ke memro manchu sarvi body. Net can be double. Yahandar timo memran. Tanziman ma yetan chisabdam telgami sob. Khandan arafa women. Yetan shes bakri pane memran. Talab chum mas pyar ki bairat chi. Ya rab ne ish karas. Tagas jari chu joy na. Dajj chamban ne chalan jawani. लोको असी दुश्वै वदन आज चितिहरांत बितिहरान करन खुदायस जबर रिसालत तशदीद नजरा تشدید نظرہ کرن یمس پہ دوہ لوٹ نیو حمزان ونچرار غنیمت بہارس رنگ چھ بدلے آج فضا موتر چھ سب زیومت کس کے گھر میں ماتم ہے یہ کون ہے جشن کے عالم میں یہ کس کی آنکھیں نم ہے آج یہ بگڑا مقدر کس کا ہے سو کرے پروئی پوٹن آج تے افز کرے پروئی پوٹن آج تے افز منگاو میولوس بہانہ उनकी गली से जब तेरा गुजरान हो उनसे कहना एक शब को वो मेरा मेहमान हो आज कारवां यादव डब गांधरबल की जानिब से एक अदबी महफिल का इनेकार किया गया था जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन सेंटर गांधरबल ने इश्तराक दिया था। इस प्रोग्राम में जो हमारे शोराए किराम है उन्होंने अपना कलाम पेश किया। इसके अलावा जो हमारे कारवां अदब का जो सालाना रिसाला मंजूल है उसकी रस्म रोनमाई अंजाम पाई और हमारे जो कारवां अदब डब गांधरबल के जो सरपरस्त आला है उन्होंने मेरे लिए एक एहतमाम किया था एक फंक्शन का जिसमें मुझे हौसला अफजाई की गई इज़्ज़त अफजाई की गई क्योंकि हाल ही में मुझे साहित्य एकेडमी का जो है बाल पुरस्कार मिला है। इसलिए हमारी कारवां अदब ने इस सिलसिले में मेरी हौसला अफजाई की। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, खासकर हमारे जो सरपरस्त आला जनाब सईद अब्बास जवहर हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरे लिए ये प्रोग्राम किया था और तमाम जो हमारे गांधरबल के शोराए किराम हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने कलम को जोर दे, कलम को चलाते रहे ताकि आगे चल कर उनको भी ये एजाज़ हासिल हो। और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि गांधरबल में पहली बार किसी शायर को ये एजाज़ मिला है साहित्य एकेडमी का। आज का प्रोग्राम मुनक़द करने का हमारा यही मकसद था कि हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुँचे कि अदब ही वो चीज़ है, अदब ही वो इल्म है जो हमारे समाज को इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा करता है और इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए रहती है। क्योंकि एक कलमकार अपने रुशात कलम की वजह से हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है और उनके नाम लेवा दुनिया में पैदा हो जाते हैं जिन जो बाद में उनकी पजीराई करते हैं। अदब ही वो शय है जो इंसान को दीन की तरफ मुतवज्जा करता है। मेरी खास गुजारिश उन लोगों से है जो हमारे कलमकार हैं कि वो ना तो मदह मनकबत व मनाजात लिखते रहें ताकि हमारे इस मुआशरे में इस्लामी अदब जो है वो अच्छी तरह से परवान चढ़े।